तो अगर आपको अपना पेटीएम मनी का डीमैट अकाउंट को क्लोज करना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह कि अगर आपने अपने पेटीएम मनी के डीमैट अकाउंट में कोई भी शेयर खरीद के रखे होंगे तो आपको उन शेयर को बेच देना है या फिर खाली कर देना है। और साथ ही अगर आपके पेटीएम मनी के डीमैट अकाउंट के फंड बैलेंस में अगर कोई भी बैलेंस बड़ा होगा तो आपको उस बैलेंस को विड्रॉ कर लेना है और उसके बाद ही आपको अकाउंट क्लोजर का रिक्वेस्ट सबमिट करना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर वीडियो या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी वीडियो नहीं है। शेयर मार्केट में किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें। और साथ ही ये वीडियो कोई भी हेट वीडियो नहीं है पेटीएम मनी के लिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उन दो पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है पेटीएम मनी के ऊपर में अकाउंट क्लोज कराने से पहले। काफी सारे लोगों का पेटीएम मनी के ऊपर में डाउट होता है कि अगर आपने पेटीएम मनी के साथ में किसी शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है तो उस लॉन्ग टर्म शेयर्स का आप क्या कर सकते हो। तो आप उन सारे स्टॉक को या फिर उन शेयर को किसी दूसरे डीमैट अकाउंट के ऊपर में ट्रांसफर कर सकते हो। और साथ ही अगर आपका पेटीएम मनी के ऊपर में फंड बैलेंस अगर नेगेटिव में शो कर रहा है तो जितना बैलेंस नेगेटिव में शो हो रहा है उतने ही पैसे आपको वहां पर पहले डिपॉजिट करने होंगे, मतलब ऐड करने होंगे, और उसके बाद ही यहां पर आपका पेटीएम मनी के ऊपर में अकाउंट क्लोज होगा। तो पेटीएम मनी के ऊपर में डीमैट अकाउंट क्लोज करने के लिए आप लोग को सबसे पहले अपना जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर नीचे प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग कुछ ऐसे पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको फॉर्म मिलेगा। तो पेटीएम मनी के ऊपर में आपने जिस भी जीमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट किया होगा उसी मेल आईडी को आपको यहाँ पर लिखना होगा। और उसके नीचे यहाँ पर आपको वो मेल आईडी लिखना होगा जिस मेल आईडी पर आपको इस मेल को सेंड करना है जो अभी हम लिखने वाले हैं। तो मेल आईडी आप यहाँ पर से चेक कर लीजिए, feedback@paytmmoney.com, इसी मेल आईडी पर आपको इस मेल को सेंड करना है। तो उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो सब्जेक्ट में आपको लिखना है टू क्लोज माई डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। और उसके नीचे यहाँ पर आपको लिखना है डियर पेटीएम मनी टीम, आई वॉन्ट टू क्लोज माई डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, काइंडली क्लोज इट एज सून एज पॉसिबल। और उसके नीचे यहाँ पर आपको एक रीजन लिखना होगा। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी रीजन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई डोंट हैव इनफ मनी फॉर ट्रेडिंग, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है ट्रेडिंग के लिए, इसलिए यहाँ पर मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ। और उसके नीचे यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर आपको क्लाइंट आईडी या फिर डीपी आईडी लिखना होगा। पेटीएम मनी के अकाउंट सेक्शन में जाकर आपको ये मिल जाएगा। और उसके नीचे यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी लिखना होगा। बस इतना लिख के आपको इस मेल को सेंड करना होगा पेटीएम मनी को, और विद इन 7 वर्किंग डेज आपका अकाउंट यहाँ पर पेटीएम मनी के साथ में क्लोज हो जाएगा। अकाउंट क्लोज होने से पहले आपको पेटीएम मनी के कस्टमर सर्विस की तरफ से भी कॉल आ सकता है और वो आपसे अकाउंट क्लोजर का कंफर्मेशन लेंगे। तो आप उनको बता सकते हैं कि आपको आगे ट्रेडिंग नहीं करना है जिसकी वजह से आप अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर आपको पेटीएम मनी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा तो आप कोई और डीमैट एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हैं। टॉप ब्रोकर्स एप्लीकेशन के लिंक मैंने आपको दे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़ीरोधा को छोड़ के आप इन सारे एप्लीकेशन के ऊपर में अपना अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हो। और ये जो ऑफर्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लिमिटेड टाइम के लिए हैं। तो जाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और बेनिफिट का फायदा उठाओ। और अब अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आप लोग ये वाली वीडियो को क्लिक कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर में मैंने बताया है कि इंडिया के अंदर में बेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग एप्लीकेशन कौन सी है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप मेरे को इंस्टा में फॉलो भी कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा।